गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पूजा मैम हेयर. योर नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज 2.5 एंड द क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच. व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्चुअली क्यूब सॉल्व करने की बजाय हम लोगों ने इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड द सम इज -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब. -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब प्लस 5 होल क्यूब. Here we have discussed identity that in the last lecture, if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Now you have to check that here a plus b plus c is 0 or not. We have a is -12, b is 7 and c is 5. So -12 plus 7 plus 5 is equal to 0. Why? -12 plus 12 is equal to 0. Then by that identity we have, if a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Jo humne last lecture mein discuss bhi ki thi aur prove bhi karti thi. So by this we have 3 into -12 into 7 into 5, that is equals to -1260, your correct answer. Got it? And this part I have solved. Next part you have to solve by yourself only. Next question is, give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which area are given. क्या करना है हम लोगों ने? लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? एरिया गिवन है, ठीक है. एंड एरिया है कुछ, एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए सॉल्व की है. क्या है? 25a² -35a + 12, दैट इज़ एरिया. ये एरिया का एक्सप्रेशन है. हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. दिस इज़ अ क्या, ये क्या है हमारे पास? एक क्वाड्रेटिक, ठीक है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. हम लोग इसको फैक्टराइज कर देंगे. 25a² माइनस, वही 12 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे पहले, कितना आएगा? 300, ठीक. अब उसके बाद क्या करोगे? 300 को वही एलसीएम लेके आप इसको फैक्टराइज करोगे. जैसे मैंने आपको पीछे 2.34 जहाँ भी ये सम आया है हमने डिस्कस कर लिया है, वही 25a² हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको प्लस या माइनस करके क्या आए? 35, और मल्टीप्लाई करके क्या आए हमारे पास? 300 आए, ठीक है. 25a² -20a -15a +12, फैक्टराइज कर दिया. 35 को हमने स्प्लिट कर दिया 20 और 15 के अंदर. 25a² -20a, इसमें से हमने 5a कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आया? 5 5 ज़ा 25, ठीक है. 5a 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे हमारे पास एक ही a था तो बाहर चला गया, डैट इज़ 4. यहाँ पे a स्क्वायर था तो एक a बाहर है, एक अंदर आ गया. अब इन दोनों में से कॉमन कौन है? -15a + 12 में से, -15a + 12, ठीक है. दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं तो -3 कॉमन ले लिया. -3 कॉमन क्यों लिया? बिकॉज साइन चेंज करने, हमें इन दोनों को सेम बनाना है. यहाँ प्लस है ना, अगर हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा -5a + 4, तो हमने क्या करना है? -3 कॉमन ले लिया, ठीक. तो -3 कॉमन लेने से ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -3 × 5a - 4. अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? 5a - 4, तो 5a - 3 हमने अलग कर दिया. तो ये हमारे पास क्या हो गए? इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो गए. तो इसमें से एक क्या है? लेंथ और एक क्या है? ब्रेथ. इसने यही कहा था क्वेश्चन में कि लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया. योर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वॉल्यूम आर गिवन, फाइंड अ पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस. हियर यू हैव गिवन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एंड यू हैव टू फाइंड द expression for the dimension. The first part is 3x² -12x. If we will solve this and we will take the common from this expression like that, 3x² -12x hai, dekho dono mein common table. Ab hum isko split kar dein, 3 into x into x minus 12 ke LCM le liya 3 into 4 into x, to dono mein common kya hai? 3, aur kya hai common? x, to rahega kaun andar? x minus 4. To split karne pe hamare paas factors kya hai? 3x and x minus 4, to inme se ek hoga length, ek hoga breadth aur ek hoga हाइट. तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ और ब्रेथ और हाइट, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं. तो इस तरह से आपका 2.5 कंप्लीट हो गया. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई सम रह गया तो आपको मैं उसके नोट सेंड कर दूँगी. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 4th. व्हाट इज़ चैप्टर 4th? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. नाउ वी विल डील द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन मीन्स टू से डैट हैविंग ओनली डिग्री 1, टू वेरिएबल्स डैट
उसमें क्या होंगे, अपने आपके पास वेरिएबल्स टू होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई क्या हैं, टू वेरिएबल्स हैं, और ए और बी एक ऐसे नंबर हैं जो आपके पास नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अगर ए और बी ज़ीरो हो गए तो वो इक्वेशन क्या रहेगी, टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगी, ठीक है। सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या कहा है इसने कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ द पेन की क्या है, ट्वाइस है। तो हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, बनाना है। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक अज्यूम कर लो एक्स, ठीक है, रुपीज़ एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ द पेन लेट कर लो वाई, रुपीज़ वाई। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो एक्स है, हमने लेट किया है। उसने क्या कहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब डबल है, किसका, पेन की, ठीक है। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो डबल है किसका, पेन की कॉस्ट की। तो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होगी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमें इसको टू वेरिएबल्स में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ज़ीरो इंटू सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब बस ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस ईच इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको हमने क्या लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने की हैं, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार, ठीक है। तो वही पहले हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, कॉन्स्टेंट क्या है, 9.35 बार, उसको राइट साइड है तो लेफ्ट साइड पे लेके आए, तो लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो से, देखो a कहाँ है, x के साथ, a की वैल्यू 2 आ गई। b कौन है, y वाले के साथ, वो कौन है यहाँ पे, 3, तो b की वैल्यू 3 आ गई। c कौन है, विदाउट x y वाला, मतलब जिसमें x और y दोनों ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू आ गई माइनस 9.35 बार। सेम माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, ठीक है। अगर हम इसको भी कंपेयर करें, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 को हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे ले आए। तो वही कंपेयर करेंगे, x के साथ वाला a, y के साथ वाला b, कॉन्स्टेंट c, गॉट इट। ऐसे ही 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, माइनस 5y को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, क्या बन गया, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब इसमें c वाली टर्म नहीं है, तो a के साथ, सॉरी x के साथ ए होता है, वाई के साथ बी होता है, अब सी है ही नहीं तो ज़ीरो। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीरो डॉट सी का मतलब ज़ीरो ही होता है। नेक्स्ट है फाइव इक्वल टू टू एक्स, फाइव को उधर ले जाएंगे, टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर आप यूँ लिखो, अपन ने ऐसे लिखा है, टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखें तो टू एक्स प्लस वाई नहीं है तो ज़ीरो डॉट वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। जो टर्म नहीं होती उसमें जीरो डॉट वाई लगा दो, क्योंकि जीरो किस में भी ऐड करो तो वो खुद ही रह जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने आप जीरो डॉट वाई लगा दिया। तो ए की वैल्यू क्या हुई, एक्स के साथ वाली टर्म टू, बी की वैल्यू जब है ही नहीं तो ज़ीरो, सी की वैल्यू माइनस फाइव। तो इस तरह से आपकी 4.1 कंप्लीट होगी। दो ही सम थे, कुछ पार्ट मैंने कर दिए, कुछ आपके लिए छोड़ दिए हैं। अब है 4.2 भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बस इसके दो सम ही करवाए हैं, बाकी इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 4.2 भी क्या है, सॉल्यूशंस की बात की गई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5, पूछा है कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। फर्स्टली सॉल्यूशन होते क्या हैं, सॉल्यूशन वो वैल्यूज होती हैं जिसमें हम x और y की जगह पे पुट कर दें, x और y की जगह पे रख दें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी पुट कर दूंगी और यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दूंगी, और उनको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा और जो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर आएगा वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अब इसने से पूछा यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब एक ही है, ओनली टू का मतलब दो ही है, इनफाइनेटली मैनी का मतलब बहुत सारे हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है ना उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन ही होते हैं। बस इसका आंसर आएगा ये, थर्ड वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट राइट द फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको सॉल्यूशन निकालने सिखाते हैं, कैसे निकालते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, इसके हमें फोर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है।
अब वही जैसे मैंने आपको बताया था कि सोल्यूशन फाइंड करने के लिए या तो एक्स और वाई की जगह पे अपने आप कोई भी नंबर पुट करते जाओ, आपकी दोनों साइडें सेम होनी चाहिए, लेफ्ट भी और राइट भी इक्वल होनी चाहिए आपस में, मतलब यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 बनना चाहिए। या फिर आप ऐसे फाइंड कर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, वाई को रखा एक्स को उधर ले गए, 7 माइनस 2x। अब एक्स को 0 पुट कर दिया मैंने अपने आप ही, तो वाई इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या होता है 0, 7 माइनस 0 क्या होता है 7। तो फर्स्ट सोल्यूशन आ गया 0 7, एक्स वाली वैल्यू फर्स्ट पे और वाई वाली वैल्यू सेकेंड नंबर पे, जैसे हम कोऑर्डिनेट में करते हैं, तो 0 7 इसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। फिर एक्स की जगह 1 पुट करो, जब एक्स की जगह 1 पुट किया वाई इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, जहाँ जहाँ बस एक्स है वहाँ वहाँ हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, 7 माइनस 2 इंटू 1 2 होता है, 7 माइनस 2 कितना आ गया 5, तो सोल्यूशन बन गया 1 और 5। फिर एक्स की जगह 2 पुट कर दिया तो वाई इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा, जस्ट ओनली आपकी वैल्यू एक्स की चेंज होती रहेगी, तो वैल्यू क्या आई 7 माइनस 4 डैट इज़ इक्वल टू 3, तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया 2 और 3, एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3। सेम एज एक्स की जगह 3 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 2 इंटू 3, ये बन गया 6, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, यानी सोल्यूशन क्या आया 3 और 1। तो इस तरह से आपके 4 सोल्यूशन बन चुके हैं, 0 7 1 5 2 3 3 1। तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है कि सोचते जाओ और एक्स और वाई की जगह पे नंबर पुट करते जाओ। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी क्वेश्चंस आप कर लेना, कोई क्वेरी हो तो आस्क मी, थैंक यू।